हाउ आर यू गाइस, फाइनली रेडमी नोट 10 अल्ट्रा 5G लॉन्च होने जा रहा है चाइना में 26 मई को। ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट 10 अल्ट्रा 5G चाइना में लॉन्च होने वाला है एंड इसमें आपको अल्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा फीचर देखने को मिलेगा जो कि आपको आज तक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। अल्ट्रा का मतलब यही हुआ ना। अगर ये नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि अल्ट्रा का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी अभी तक बन गए हैं और आपको पता है कि हमारे चैनल पे वीडियो हमेशा लेट ही आता है क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो रात को शूट होता है एंड सुबह अपलोड होता है, क्योंकि दिन में शूट करने का ना ही टाइम है ना ही शूट करने के लिए कोई भी अच्छा प्लेस है। इसकी वजह से वीडियो लेट ही आता है। तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात करें अगर रेडमी नोट 10 अल्ट्रा के बारे में, उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं रेडमी नोट 10 अल्ट्रा के बारे में। तो अल्ट्रा मोड में यहाँ पर आपको 5G देखने को मिलेगा रेडमी नोट 10 अल्ट्रा में। उसके पहले अगर बात करें रेडमी नोट 10 सीरीज़ की, यानी कि रेडमी नोट 10 5G सीरीज़ की, तो इसमें आपको तीन वेरिएंट के स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि रेडमी नोट 10 5G, रेडमी नोट 10 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 10 अल्ट्रा 5G। जो बेसिकली रेडमी नोट 10 5G ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका है जो कि आपको पता ही है, और नोट 10 प्रो 5G उसके बारे में हमारे चैनल में वीडियो है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ लॉन्च होने वाला है एंड इसमें भी आपको फीचर अच्छा देखने को मिलेगा विद 5G के साथ। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 10 अल्ट्रा के बारे में, जो कि रेडमी ने खुद इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर उसका स्पेसिफिकेशन लीक कर दिया है। और बात करें स्पेसिफिकेशन की, पहले बात कर लेते हैं इस फोन की फास्ट लुक के बारे में। दोस्तों इसका फास्ट लुक बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको रियर साइड में कुछ कैमरा कटआउट अलग ही देखने को मिलेगा इस बार रेडमी नोट 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन में, जहाँ पर कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको कैमरा कटआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है एंड एक बड़ा सा कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में, मतलब कैमरा कितने मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई भी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं है रेडमी की तरफ से, लेकिन इतना बड़ा है तो कैमरा भी यहाँ पर आपको बड़ा ही देखने को मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। सकता है यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले की, दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में पॉन्चुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि सेंटर पॉन्चुअल यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 6.53 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, बट यहाँ पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रो वेरियंट है, मतलब अल्ट्रा वेरियंट है, तो अल्ट्रा लेवल का यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको डायमंड सिटी 1100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है एंड ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा एंड अच्छा खासा मल्टीटास्किंग वगैरह आप कर सकते हैं, कोई भी लैग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है डिस्प्ले में, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं Xiaomi इसको किस रेंज में लॉन्च करता है, इसमें रिफ्रेश रेट देता है कि नहीं देता, ये तो स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें एमआई रोम वेरियंट की, 8GB+128GB 8GB+256GB वाला वेरियंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि तीनों वेरियंट में आने वाला है। एंड कौन सा रैम एंड रोम टाइप होगा इसके बारे में कोई प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा USB टाइप सी पोर्ट वगैरह एंड 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल सकता है। अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है ऐसे कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। सर्च यहाँ पर आपको फेस अनलॉक सिस्टम देखने को मिलेगा एंड बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा ऐसा बोला जा रहा है। सर्च यहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सारे स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, बट कोई चीज़ मिस हो गया क्या? सेल्फी कैमरा मिस हो गया। तो यहाँ पर जो सेल्फी आपको देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है, मतलब कोई कोई बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, कोई बोल रहा है 20-25, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम 20 के ऊपर यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल सकता है, मतलब 20 मेगापिक्सल होगा या फिर 25 ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। 16 देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अल्ट्रा स्मार्टफोन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये हो गया रेडमी नोट 10 अल्ट्रा की फुल स्पेसिफिकेशन। जितना भी पता था हमने, जितना हमको बताया हमने आपको भी उतना ही बताया है और कुछ ज़्यादा नहीं बताया। बस हमने जो चीज़ एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ आपके साथ शेयर किया कि ये चीज़ आ सकता है। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि ये स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा है या नहीं है,
अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 22,000 के आसपास देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब चाइना के हिसाब से अगर देखें इसका प्राइस कुछ आपको 22,000 के आसपास के ऐसे देखने को मिल जाता है। देखते हैं स्मार्टफोन को इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं, एंड पहले देखें चाइना में स्मार्टफोन एक्चुअली में किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है, एंड इसमें और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर अगले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ चैनल अपना शेयर करें, एंड नीचे कमेंट करें बताएं क्या वीडियो आपको कैसा लगा।